नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सो गाइस, आज सैमसंग A34 5G के कुछ कमाल के हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अब इस फोन में मैंने कुछ ऐसे फीचर्स नोटिस करे जो मुझे अपने सैमसंग S21 FE में भी नोटिस नहीं हुए हैं। तो रियली काफी यूजफुल फीचर्स इस फोन में आपको देखने को मिलते हैं और सभी फीचर्स आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत आराम से यूज कर पाओगे और आपके काम को ये आसान भी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज किस कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसे कमाल की वीडियो फीचर देखने के लिए। चलिए आज किस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीचर से। यहाँ पे देखिए कुछ फीचर्स मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में, वो आपको क्विक पैनल में देखने को मिलेंगे। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आपको लिंक टू विंडोज का सबसे पहला फीचर देखने को मिलता है, जो कि काफी यूजफुल होगा आपके डे टू डे लाइफ में। अगर आप विंडोज का लैपटॉप यूज करते हो तो उसमें भी एक फीचर होता है लिंक टू विंडोज। सिंपली आपने फोन को लैपटॉप से लिंक करा के डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉपी पेस्ट वाला फीचर इसमें आ गया है अब। साथ ही में एप्स कंट्रोलिंग भी आ गई है, मैसेजेस को देख सकते हो। तो काफी बढ़िया तरीके से आपने लैपटॉप से अपने फोन को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, साथ ही में डेटा ट्रांसफर बहुत अच्छे तरीके से वायरलेसली हो जाता है। अगला इसी में जो फीचर है वो है डॉल्बी एटमॉस का। गाइस, इस फोन में आपको डॉल्बी एटमॉस एकदम बढ़िया फुल लेवल का देखने को मिलता है। मतलब कुछ फोन जो आते हैं उनमें आपको ईयरफोन लगा के डॉल्बी एटमॉस मिलता है, लेकिन इस फोन में आप स्टीरियो स्पीकर्स पे भी डॉल्बी एटमॉस का मजा ले सकते हो। तो आप देख सकते हो डॉल्बी एटमॉस को आप यहां पे कॉन्फिगर कर सकते हो अपने हिसाब से, कि म्यूजिक, मूवी, ऑटो या फिर वॉइस के हिसाब से अपने हिसाब से यहां पे कंट्रोल कर सकते हो। अगला जो बहुत यूजफुल फीचर है वो है यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। जी हां, आपको इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। आप इसमें दोस्तों अपने हिसाब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हो कि किस रिजोल्यूशन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, वो आप इन डेप्थ सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। और इसी में एक और काम का फीचर है वो NFC का आपको देखने को मिलता है। तो ये फोन NFC सपोर्ट करता है, तो NFC टैग्स अगर आपके पास हैं, लाइक अगर आपके रूम पे आप यूज करते हो या फिर कोई भी NFC टैग है, तो कंप्लीटली आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों, सारे फीचर्स देखो क्विक पैनल में नहीं होते, कुछ एडिट बटन्स में होते हैं। तो कई एडिट बटन्स में जाके देख सकते हो, कॉल एंड टेक्स्ट टू अदर डिवाइसेस, क्रिएट नोट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साथ ही में NFC, प्रोटेक्ट बैटरी, एक्स्ट्रा डेम, ये सब फीचर्स भी मैंने एडिट बटन से ही यहाँ पे डाले हैं। अगले कमाल के फीचर की बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे दोस्तों एक वीडियो वॉलपेपर सैमसंग ने डाला है और ये मैंने पहली बार नोटिस किया। इस फोन में एक वीडियो वॉलपेपर बाय डिफॉल्ट सैमसंग ने डाल के दिया है। तो आप देखो वॉलपेपर एंड स्टाइल पे जाओ, चेंज वॉलपेपर पे क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हो फीचर्ड में और देख सकते हो लॉक स्क्रीन के लिए इन्होंने एक डेडिकेटेड यहाँ पे वीडियो का एक वॉलपेपर बनाया है। तो थोड़ा सा ग्राफिकल अच्छा लगता है वॉलपेपर देखने में, बट एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे ही काम करेगा। होम स्क्रीन पे इनका बाय डिफॉल्ट स्टैटिक एक ही वॉलपेपर है, जनरली ये दो डालते हैं, बट इसमें यहाँ पे एक ही वॉलपेपर डाल रखा है, बाकी और अदर सैमसंग के बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। तो अच्छी चीज़ है कि एक वीडियो वॉलपेपर डाल रखा है, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ये यूज कर सकते हो, बट ध्यान रहे इसमें थोड़ा सा बैटरी कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे आपको कॉल्स के अंदर एक बहुत यूजफुल फीचर मिलता है। अगर आप ये फीचर यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो सामने वाले को भी बहुत अमेजिंग चीज देखने को मिलेगी। गाइस, बिग्सबी टेक्स्ट कॉल इसमें सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल लेटेस्ट फीचर है, धीरे धीरे सैमसंग इसको एक्सपेंड कर रहा है सभी फोन्स में। देखिए, अगर आपके पास कभी मान लीजिए फोन आया, आपको उठाने का मन नहीं है लेकिन चाह रहे हो कि सामने वाले तक कोई रिस्पॉन्स पहुंच जाए, तो देखो एक तो होता है सेंड मैसेज कर दिया, बट मैसेज हो सकता हो वो देखे ना देखे। तो गाइस, बिग्सबी टेक्स्ट कॉल क्या करता है कि इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो और सामने वाले से आपका फोन बात करेगा लिटरली इंग्लिश में। मतलब जो भी आप वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, 3-4 वॉइसेस मिलती हैं और ये बात करके रिस्पॉन्स बताएगा कि हाँ बताओ मुझे क्या काम है, या फिर कुछ ऐसा अर्जेंट काम है तो आप रिप्लाई कर सकते हो। मतलब एक कन्वर्जेशन होगी यहाँ पे डायलर और यहाँ पे जो रिसीवर है उनके बीच में। तो ये फीचर भी मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है। S21 FE के बाद मुझे इसमें फीचर देखने को मिला है, तो अच्छा है कि सैमसंग धीरे धीरे लो बजट फोन्स में भी ये फीचर ला रहा है। अगले फीचर की बात करते हैं गाइस, वो आपको माई फाइल्स में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा फीचर है, बहुत डेली लाइफ में यूजफुल होता है ये फीचर। देखो, अगर आप गूगल ड्राइव को यूज़ करते हो डे टू डे बेसिस पे, तो आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव को अपने माई फाइल से एक्सेस कर सकते हो जाके। ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा और ये बहुत देखो छोटा सा है लेकिन काम बहुत आता है। डायरेक्टली आपको हर बार गूगल ड्राइव में जाके फोटो डाउनलोड करने की, एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहीं पे गूगल ड्राइव को साइन इन कर लो, आपको सभी गूगल ड्राइव के फोल्डर्स, फोटोज यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो माई फाइल्स के अंदर ही आप देखो वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, और एक अगर लोकल नेटवर्क स्टोरेज आपने बना रखी है लोकल होस्ट के जरिए, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइस कुछ गैलरी के फीचर्स की। तो गैलरी में हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सैमसंग देता है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। तो देख सकते हो, अगर आप किसी फोटो पे जाते हो तो आप सिंपली टैप रख के सबसे पहले तो फोटो का बैकग्राउंड क्लियर कर सकते हो, तो ये भी बहुत कमाल का यूजफुल फीचर है। साथ ही में आप देखो उस फेस का यहाँ पे स्टिकर भी बना सकते हो, अगर आप कॉम्प्लेक्स या फिर कोई कस्टम स्टिकर बनाना चाहते हो तो वो भी आप देखो इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। साथ ही में अगर कोई रीमास्टर करनी है फोटो, मतलब फोटो इन्हेंस करनी है AI के जरिए, तो गाइस देखो किसी भी फोटो पे जाओ, 3 डॉट पे क्लिक करके रीमास्टर फोटो कर सकते हो।
ये भी बहुत प्रीमियम लेवल फोन्स में आता है, अच्छी बात है कि इसमें दिया गया है। रीमास्टर से क्या होता है कि एक बार के अंदर आपकी पूरी फोटो एडिट हो जाएगी, ज़्यादा एडिटिंग के बारे में नहीं जानते हो, एक बटन से फोटो को बढ़िया से एडिट कर लोगे आप। एंड गाइस फाइनली यहाँ पे अगर आपको कुछ हिडन मतलब एकदम हिडन फीचर्स ट्राई करने हैं ना, तो देखो गैलरी लैब्स को ट्राई करो आप। गैलरी लैब्स के अंदर तो कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं तो वो हिडन नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत लोग गैलरी लैब्स तक नहीं पहुँचते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सेव एज PDF, आजकल PDF दोस्तों जब से ये ऑनलाइन क्लास वास आई है बच्चे इतना ज़्यादा PDF बनाते हैं, तो उनको एक PDF मेकर मतलब Adobe PDF या फिर ऑनलाइन PDF हमेशा रखना पड़ता है। अब डायरेक्टली अपने फ़ोन से फोटोज़ को क्लिक करके PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप एक PDF बना सकते हो गैलरी में ही बैठे बैठे। बहुत अच्छा फीचर है, सभी फ़ोन्स में धीरे धीरे सैमसंग ये ला रहा है, बजट फ़ोन्स में भी आ चुका है, इस फोन में भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं गाइस, वो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया और टाइम टू टाइम सैमसंग इस पर काम करता रहा है। अब देखिए आप जब सेटिंग्स में जाते हो तो सर्च बार हमेशा इंप्रूव होता रहा है हर अपडेट में, और हर नए फोन के साथ कुछ ना कुछ नया ही हमको देखने को मिला है। तो इसमें भी गाइस जो सर्च टर्म्स होते हैं उनको कुछ ऐड ऑन किया गया है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करो और उसके बाद देख सकते हो गाइस, लाइक अगर बैटरी के बारे में आपको कुछ सेटिंग्स जाननी है या फिर प्राइवेसी के बारे में जाननी है या फिर गेमिंग के बारे में जाननी है, आपको सेटिंग्स के अंदर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहीं से बैठे बैठे उस पर्टिकुलर स्टेप पे जा सकते हो। लाइक बैटरी से रिलेटेड मुझे कुछ सेटिंग्स चाहिए, गेमिंग से रिलेटेड, और ये इंप्रूव भी हो रहा है गाइस। पहले इतने सारे ऑप्शंस नहीं आते थे, बट धीरे धीरे इन लोगों ने ऑप्शंस ऐड करे, जैसे आप व्हाट्स न्यू पे जा सकते हो, यहाँ पे आप बैटरी पे जा सकते हो, गेमिंग वाले सेक्शंस की कुछ सेटिंग्स पे जा सकते हो। तो फाइंडिंग सेटिंग्स जो फाइंडर सेटिंग्स है वो भी टाइम टू टाइम ये लोग इंप्रूव कर रहे हैं। अब गाइस जो अगला फीचर मैं बताने जा रहा हूं उसने मेरा दिमाग एकदम हिला के रख दिया, क्योंकि वो फीचर S21 FE जैसे प्रीमियम फोन में भी नहीं आता है। तो इस फोन में देखिए एक वन टाइम पासवर्ड का एक बहुत जरूरी फीचर मिल जाता है गाइस। आपको देखिए हॉटस्पॉट की सेटिंग्स में जाना होगा, मोबाइल हॉटस्पॉट पे आप जाओगे तो वन टाइम पासवर्ड का एक फीचर आपको मिलता है। देखो गाइस आपने अगर जैसे किसी के साथ हॉटस्पॉट शेयर किया, कल आपसे फिर वही लोकेशन पे आके हॉटस्पॉट ऑन करते हो लेकिन उसके पास अब पासवर्ड है, तो आप उसको ये वाला पासवर्ड शेयर कर सकते हो और एवरी टाइम आप जब हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो ये पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, तो उसे आपसे फिर से पासवर्ड मांगने आना पड़ेगा। बहुत अच्छा फीचर है गाइस, ट्रस्ट मी ये आपको डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेगा अगर आपको लग रहा है कि कोई बिना पूछे आपका हॉटस्पॉट एक्सेस कर ले रहा है। अब गाइस कुछ इंटरनल अगर सेटिंग्स के फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले में जाके एक ईजी मोड का एक फीचर दिया गया है। ये भी धीरे धीरे सैमसंग सभी फोन्स में ला रहा है, क्योंकि इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो थोड़ी सी ओल्डर एज की है। जैसे कि अगर मान लो आपने अपनी दादी को या फिर ओल्ड एज पर्सन को फोन दिया यूज करने के लिए, वो इतनी ज्यादा इनडेप्थ सेटिंग्स में नहीं यूज कर पा रहा, तो आप सिंपली ईजी मोड में करके अपने फोन को दे सकते हो गाइस। सब कुछ सामने दिख जाएगा, आइकन्स लार्ज हो जाएंगे, इजीली विजिबल हो जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो डेली यूजर्स की होती हैं वो सब सामने आपके आ जाएंगी होम स्क्रीन पे। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप फोन को इजी मोड में एक्सेस कर पाओगे। साथ ही में आपको यहाँ पे बैटरी के सेक्शंस में एक बढ़िया सेटिंग्स मिलती है, यहाँ पे मेमोरी में जाके रैम प्लस को यूज कर सकते हो। अब देखिए रैम प्लस का एडवर्टाइजमेंट कंपनियां बहुत करती हैं तो बताना जरूरी हो जाता है यहाँ पे यूजर्स को, बट रैम प्लस उतना इफेक्टिव नहीं होता है अगर आप 2 GB या 4 GB एलोकेट कर रहे हो। कम से कम 6 GB 8 GB जब एलोकेट करोगे तब जाके कुछ थोड़ा बहुत 5-10% का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलेगा, बट 2-4 GB में ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा डेली टास्क में नॉर्मल यूजर को। तो टोटल अगर बात करें तो एक तरीके से आप इफेक्टिव जो आपकी रैम हो जाएगी वो 8+8 16 GB की इफेक्टिव रैम आप चला सकते हो। अगले फीचर की बात करते हैं गाइस, कुछ लोगों को आजकल फ्लैश नोटिफिकेशन बहुत पसंद आते हैं, मतलब उनका कैमरा फ्लैश हो या फिर उनकी स्क्रीन फ्लैश हो, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो जाके। आप फ्लैश का कलर तक चेंज कर सकते हो। अब देखो टॉर्च का कलर तो नहीं चेंज हो जा पाएगा, वो तो व्हाइट ही रहने वाला है, बट स्क्रीन फ्लैशिंग जो होगी उसका कलर चेंज कर सकते हो। इतने सारे कलर्स आपको मिलते हैं, इन सभी में से अपने चूज कर लो और आप सिंपली यहां पे अप्लाई कर सकते हो। जब मैसेज आएगा तो आपका फोन की स्क्रीन फ्लैश होगी या फिर अगर आपने टॉर्च रखा होगा तो टॉर्च यहाँ पे फ्लैश होने लगेगी। बात करें कीबोर्ड की तो कीबोर्ड में भी आपको कुछ बढ़िया चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लाइक अगर आप कीबोर्ड में जाओ तो एक देखो आपकी मैंने नोटिस किया कि यूनिवर्सल सर्च कर रखा गया है। सर्च पहले भी था बट अब की बार सर्च यूनिवर्सल है। तो देखो यूनिवर्सल से मेरा मतलब है कि अगर आप यूट्यूब सर्च करते हो तो यूट्यूब कि कुछ वीडियोस का रिकमेंडेशन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। साथ ही में एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, ये S21 FE में था बट उसके बाद मैंने जनरली नोटिस नहीं किया हर फोन में। तो देखो सिंपली आप अगर एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट से क्या कर सकते हो कि फोन के कैमरे से ही आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके सर्च फील्ड में भर सकते हो, वहीं इस पे सर्च दबा दो, टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर एक और इंपॉर्टेंट फीचर की मैं बात करता हूँ गाइस गेमर्स के लिए, तो अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हो और ये फोन गेमर्स को निराश नहीं करेगा, आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी 91% का थ्रॉटल टेस्ट आया था,
बहुत अच्छा है गेमर्स के लिए, नो डाउट। तो अगर आप गेमिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो गाइस गेम बूस्टर के लैब सेक्शन में जाके एक आपको हाईएस्ट इंप्रूवमेंट का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप और ज़्यादा फ़ोन का एक फीचर ऑन करके फ़ोन को और ज़्यादा प्रेशराइज कर सकते हो ताकि आपको सबसे बेस्ट यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस दे। बट ध्यान रखना इसमें हीटिंग थोड़ी सी फ़ोन की बढ़ जाएगी। तो वैसे नॉर्मल इसको ऑफ ही रखोगे तो भी आपका काम चलेगा क्योंकि गेमर्स के लिए बहुत बढ़िया फ़ोन है। एंड अब गाइस बात करते हैं उस फीचर की जो कि सैमसंग की वन यूआई पे चार चांद लगाता है। जिस भी फोन में ये नहीं भी चलता है मैं जुगाड़ से चला के आपको दिखा देता हूँ, बट इस फोन में आपको गुडलॉक का कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। वन यूआई का फुल वर्जन है, ए सीरीज का फोन है, तो बढ़िया से आप गुडलॉक के सभी मॉड्यूल को चला सकते हो। अब गुडलॉक की कुछ झलक दिखाता हूँ। देखो होम अप में जाके टास्क चेंजर को यूज कर सकते हो। इसके दोस्तों इसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो कम पड़ जाएगी 8-10 मिनट की, लेकिन कुछ फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। साउंड असिस्टेंट यूज कर सकते हो, साउंड का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, इस साइड पैनल रहेगा या उस साइड, आप लूप में चलाना चाहते हो होम स्क्रीन को या ऐप स्क्रीन को, बहुत सारे आपको तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसको आप लोग सिंपली प्ले स्टोर या फिर गैलेक्सी स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो गुडलॉक नाम के ऐप को। तो आई होप गाइस आपको इसके फीचर्स पसंद आए होंगे। बाकी आपके कुछ सवाल हो या फिर आपको कुछ नए फीचर्स मिले हो इस फोन में तो आप लोग कमेंट करना मत भूलना। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में ताकि उन्हें भी पता चले कितने कमाल के फीचर्स A34 में आपको देखने को मिलते हैं। तो बस गाइस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही में चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।